अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा। मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में हालिया गठित हुई महाविकास आघाड़ी सरकार की और नई मुंबई की राजनीति और विकास पर उसके प्रभाव को लेकर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब नया साल है और राज्य में नई सरकार चल रही है, जिस तरह से इसका गठन हुआ है, उस गठन को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति और उसके विकास को लेकर आप अपने किस नज़रिए से देख रहे हैं इस सरकार को? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव हुआ नए सरकार के लिए, उसमें अगर आप ये देखें तो जो पब्लिक मैंडेट था वो युति के लिए था। तो पब्लिक मैंडेट के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो युति सरकार को लोगों ने अपना मतदान दिया और उनको बहुमत दिया। अब ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है ये युति के जो आपसी गठबंधन थे उस पर भारी पड़ गई, और उस महत्वाकांक्षा के लड़ाई में अंत में शिवसेना ने यह निर्णय लिया कि वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के संपर्क से वो गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन जो नए सरकार का गठन अगर आप कहेंगे तो ये एक तरह से मेरी नज़र में बेमेल है। बेमेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो एथिक्स थे, पॉलिटिकल एथिक्स हैं, वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। और वो मेल नहीं खाने के चलते ये जो जबरदस्ती बनाया हुआ जो मेल है, इसीलिए इसके टिकने पर बहुत संदेह है। अच्छा। और युति सरकार का अगर हम देखें तो इसके पहले 1995 में गवर्नमेंट आया था, पूरे 5 साल गवर्नमेंट चली थी। बिल्कुल। उसी तरीके से अभी 2000 आप 9 से कह करके 2014 तक जो गवर्नमेंट चली वो भी पूरे 5 साल चली। अभी जो सरकार है इसके अस्थायित्व को लेकर के एक निश्चित तौर पे लोगों के अंदर भ्रम है, और भ्रम के पीछे कारण भी है। जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, शपथ ग्रहण से लेके मंत्रिमंडल का निर्णय होने से लेकर के बंटवारा तक, विभागों के बंटवारे तक में जिस तरीके का हौच-पौच दिखाई दे रहा है, और अभी 4 दिन की सरकार नहीं हुई और जिस तरह के असंतोष के सुर भी उभरने लगे उससे थोड़ा सा सरकार के अस्थायित्व पर थोड़ा संदेह जाता है। और हालांकि उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जब ये निर्णय लिया है तो उनका निर्णय किसी भी तरीके से सही साबित हो, और इसके लिए वो विधानसभा में निश्चित तौर पे लोगों को ऐसा कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। बट लेकिन ये कितना कायम रहता है, इस पर थोड़ा जो पीछे का इतिहास अगर हम लोग देख लें मिलीजुली सरकार का, तो बेमेल गठबंधन जो होता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये बहुत उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण इतिहास में भी देखने को मिला है। तो हमको लग रहा है कि इसके अस्थायित्व को लेकर के निश्चित लोगों में भ्रम है। एक जो बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि सरकार तो बन गई, लेकिन जिस तरह से वादे किए गए थे, खासकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने वादा किया था कि मैं 7-12 कोरा करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार का गठन ही पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है, मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पिछले 3 महीने से यही जो पॉलिटिकल ड्रामा है चल रहा है कि किसको, किस पार्टी को कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, कौन उसका मंत्री बनेगा। आपको इस परिदृश्य में, इस पृष्ठभूमि में, आपको लगता है कि क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार, ये किसानों का और जो गरीब तबका है इसका भला कर पाएगी, जब उसके निर्णय में, सरकार बनने में, गठन होने में इतना देरी हो रही है? देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि जब सरकार को अभी बने हुए सिर्फ 1.5-2 महीने हुए हैं तो उनके कार्यकलापों पर टिप्पणी करना थोड़ा अभी ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे उनके कार्यकलापों को थोड़ा परखने की जरूरत है। और जिस ताकत के साथ उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि मैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी मैं सबसे पहले 7-12 कोरा करने का प्रयास करूंगा, ये जो उनका कहना था, अब देखो इतना आसान तो नहीं है। कोई चीज अगर आपने गिरवी रखी है, मान लीजिए आपने लोन लिया है और जमीन के एवज में लोन लिया है, तो उसके कुछ प्रोसीडिंग्स होते हैं। इतना आसान नहीं कि आपने कोरा बोल दिया और कोरा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए बैंकों के साथ सेटलमेंट होती है, राज्य सरकार उसका फिर गारंटी लेती है कि आपका जो पैसा है वो हम पे करेंगे, इस तरह की बातें होती है, तब जाकर के 7-12 फ्री होता है। तो वैसी स्थिति में अभी हमको लगता है कि इस मुद्दे पर थोड़ा देखना
अच्छा रहेगा कि दो तीन चार महीना पहले ये सरकार चल तो जाए, पहले तीन चार महीना अगर सरकार अस्थायित्व के साथ चलती है तब इसके कार्यकलापों पर टिप्पणी करना मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। खैर आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं उनको भी वक्त देना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। महाराष्ट्र की जो जो ये सरकार गठन का जो राजनीतिक जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद भाजपा से इतर जो दूसरी पार्टियां विरोधी पार्टियां जिस तरह से एक होकर सरकार चला रही हैं, इस राजनीति का असर आप नवी मुंबई और मुंबई के अलावा जो महानगर पालिका या दूसरे जो सिटीज हैं उनमें इसकी राजनीति को आप किस तरह से इसका असर आप देख रहे हैं? देखो अभी आप एक चीज समझो कि नवी मुंबई में जो हमारे दोनों विधायक हैं, एरोली हो या बेलापुर हो, वो दोनों के दोनों विधायक बीजेपी के हैं। अभी जो उसके पहले जो घटनाक्रम हुआ था, लोगों को ये विश्वास था कि युति की सत्ता आएगी और जितने पॉलिटिकल एनालाइजर थे वो यही कह रहे थे कि युति की सत्ता आएगी। वैसी स्थिति में गणेश नाइक ने एक बड़ा चेंज लिया और राष्ट्रवादी को छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जीते भी, बड़े मत के अंतर से जीते, गणेश नाइक का जो प्रभाव है वो दिखाई भी दिया, लेकिन वो चूक का निर्णय नहीं कहा जाएगा उनका, लेकिन एक चूक हो गई महत्वाकांक्षा की लड़ाई में। उद्धव ने फडणवीस के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना एक खुद को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके सरकार बना ली। अब ऐसे में क्या है कि जो सेना शिवसेना है, शिवसेना की ताकत निश्चित तौर पे नवी मुंबई में थोड़ा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के इन दोनों लीडर की आप बात करें, मंदा महात्रे और गणेश नाइक, इनकी तुलना में अगर किसी के पास कोई लीडर है तो वो सिर्फ सेना के पास है। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो जैसे एरोली विधानसभा से विजय चौगले जैसा चेहरा सेना के पास मौजूद है, जो कई बार चुनाव एमके मड़वी वगैरह एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में वहां मौजूद है, और अगर आप बेलापुर विधानसभा में आ जाइए तो विजय नाहटा जैसा एक बहुत ही सुशिक्षित चेहरा सेना के पास मौजूद है जो कि नवी मुंबई में अपने कार्यकलापों को लेकर के लोकप्रिय भी रहा। तो वैसी स्थिति में सेना के पास ही वो चेहरा दिखाई देता है। और राष्ट्रवादी में और कांग्रेस में जो नेतृत्व है नवी मुंबई का वो बहुत ही कमजोर है। तो हमको ऐसा लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा, जो सरकार नई सरकार बनी है, इस सरकार का एक बड़ा फायदा निश्चित तौर पे आने वाले आगामी जो पालिका के चुनाव हैं, अगर उस समय तक यह सरकार टिकी रहती है और कुछ ऐसा गलत संदेश नहीं जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा शिवसेना को होगा। सर अभी वर्तमान में देखें तो जब गणेश नाइक ने अपनी पार्टी बदली और राष्ट्रवादी से शिवसेना में आए, इसमें भाजपा के साथ जुड़े, चुनाव भी लड़ा, उन्होंने जीते भी, उनके साथ इस वक्त 55 जो नगर सेवक हैं, फिलहाल अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन समर्थन के तौर पर अगर देखें तो सत्ता जो है वो महानगर पालिका में कहीं ना कहीं गणेश नाइक के अधीन है तो वो भाजपा के अधीन है। क्या आपको लगता है कि चुनाव तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? जिन नगर सेवकों ने इस्तीफा नहीं दिया क्या वो भाजपा के साथ बने रहेंगे, या इसमें आपको परिवर्तन की कुछ गुंजाइश लगती है कि गणेश नाइक से निकलकर कुछ लोग फिर से सत्तारूढ़ जो पार्टियां जाए, कांग्रेस हो सकती है, शिवसेना हो सकती है या एनसीपी हो सकती है, उसकी तरफ जा सकते हैं? देखिए अगर आप पिछले कुछ दिनों में कुछ जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जिलाध्यक्षों का जो चुनाव हुआ है उसमें ये मैसेज गया है कि जहां बीजेपी एकदम फुल कम्फर्ट तरीके से अपना जिलाध्यक्ष चुनने में कामयाब हुई थी वहां जिलाध्यक्ष बदल गए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के लोग सब एक साथ आ गए। तो न्यू बॉम्बे में भी अगर ऐसा हुआ कि महाविकास अघाड़ी के लोग एक साथ आ गए और चुनाव में कुछ ऐसा सीटों का बंटवारा हुआ जिसमें कि तीनों को मान्य हो गया और उस हिसाब से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश नाइक को या बीजेपी की सत्ता जो आज आप देख रहे हैं गणेश नाइक के रूप में पालिका पर, गणेश नाइक के नेतृत्व के रूप में, वो हमको लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये तीनों गठबंधन कर करके चुनाव लड़ जाते हैं तो। गणेश नाइक की आप जो दल बदल को, या ये कहें कि एक ऐसा वक्त था जब गणेश नाइक की एनसीपी में तूती बोलती थी, लेकिन वही चीज़ें हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण या एनसीपी की नैया डूबते देख बहुत सारे नेता राष्ट्रवादी से अलग हुए, गणेश नाइक भी उसमें से एक थे, पहले उनके बेटे गए उसके बाद गणेश नाइक खुद आए। आप इस फैसले को किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि इतना पुराना एक लीडर फैसले में कहीं चूक गया, जो उसकी लोकप्रियता थी, जो उसका माइंडसेट था, जो उसकी विचारधारा थी, उसमें वो कहीं कमजोर पड़ने लगा जिसकी वजह से पार्टी बदलनी पड़ी, या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक कारण था? आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गणेश नाइक को इतना सम्मान मिला और शरद पवार की नजर में जो उनका एक स्थान था इस फैमिली का, नाइक परिवार का, नवी मुंबई में एक हाथ, मतलब पूरा डिसीजन शरद पवार ने गणेश नाइक के कंधे पे छोड़ दिया था। वो किसी भी मामले में नवी मुंबई में इंटरफेयर नहीं करते थे, ना तो शरद पवार ना तो अजीत पवार। वैसी स्थिति में अगर गणेश नाइक ने ये डिसीजन लिया पार्टी छोड़ने का, हो सकता है सत्ता के, मैं तो इसको सीधा बोलूंगा कि सत्ता के मुंह में, वरना उनको कोई जरूरत नहीं थी पार्टी को छोड़ने की। सत्ता के मुंह में अगर वो उन्होंने ये निर्णय लिया है तो उससे गणेश नाइक जैसे व्यक्तित्व को निश्चित तौर पे धक्का लगता है। आम आदमी की नज़र में गणेश नाइक का व्यक्तित्व छोटा पड़ता है, क्योंकि हम लोग या जो लोग जानते हैं गणेश नाइक को बहुत ही स्वाभिमानी नेता के रूप में मानते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि सत्ता रहे या जाए, या वो जीते चुनाव या हारे, वो उनका स्वाभिमान नहीं टिकेगा। ऐसा मतलब लोगों में परसेप्शन था कि वो बहुत स्वाभिमानी नेता है, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बट लेकिन अब किस दबाव में, अपने बेटे के फैसले के आगे, या खुद उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, या फिर जो कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं न्यू बॉम्बे में जिनका साम्राज्य है, उनके दबाव में, किसके दबाव में उन्होंने ये निर्णय लिया, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनके इस निर्णय को उनकी एक चूक मानता हूँ। क्या लगता है आपको कि अब ये जिस तरह का अभी माहौल बना है, अब सत्ता से तो दूर हो गए, एक सपना था कि कहीं ना कहीं इस बार उनको मंत्री बनने का बड़ा मौका मिल सकता था, पालक मंत्री तो बन ही सकते थे जिस तरह से जीते थे वो ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नाइक परिवार राजनीतिक हाशिए पर कहीं सिमटता जा रहा है, आपको इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा बात ये कहूंगा कि जिस गणेश नाइक ने बीजेपी का दामन थामने की कोशिश की, उसी बीजेपी ने उनको इतना एक तरह से नीचे गिराया कि उनको टिकट तक नहीं दिया। उनके बेटे को टिकट दिया, मंदाताई को टिकट दिया, और उनको टिकट तक नहीं दिया। वैसी स्थिति में जो गणेश नाइक के समर्थक थे या जिनको गणेश नाइक में आस्था है, उनको ऐसा लगा कि अरे गणेश नाइक की अब इतनी भी औकात नहीं रही बीजेपी में जाने के बाद कि वो अपने लिए टिकट हासिल कर सके। अंत में वो अपने बेटे के टिकट को, मेहरबानी के तौर पे कहिए कि बेटे ने अपना टिकट त्याग किया और ये उस टिकट पे चुनाव लड़के जीते। तो ये नाइक परिवार के लिए, मुझे ऐसा लगता है, या नाइक परिवार को जानने वाले लोगों के लिए, नाइक परिवार में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी ने स्वयं उनको दिया है। एक भाजपा में एक परंपरा रही है कि वो एक परिवार या परिवारवाद, आप कहना कि राजनीति में परिवारवाद का विरोधी रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से रहा है कि गणेश नाई के एक एक इशारे पर एक परिवार के कई कई लोगों को टिकट दिए जाते रहे। नवम्बई में कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे पति भी, पति नगर सेवक है, पत्नी भी नगर सेवक है, बच्चे भी नगर सेवक है, लेकिन भाजपा की जिस तरह की राजनीतिक परंपरा रही है उसमें एक परिवार के दो व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से गणेश नाइक के साथ ये जितने भी नगर सेवक हैं उनमें, जिनमें परिवारवाद पूरी तरह से हावी है, उन लोगों को भाजपा एक घर के कई लोगों को टिकट दे सकती है क्या? आपको क्या लग रहा है? मैं तो सबसे पहले एक ही बात बोलूंगा, देखो ऐसा नहीं कि बीजेपी की परंपरा रही है। अभी आप राधाकृष्ण बीके पाटिल और उनके लड़के का ले ले, तो एक एमपी है, एक विधायक है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि परिवार में नहीं दिया गया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, जो शुरू से जब बीजेपी कुछ नहीं थी तब से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और आज भी बिना सत्ता के भी बीजेपी के साथ थे, और सब कुछ में रहते हुए भी, चाहे सत्ता रही हो ना रही हो, वो बीजेपी के साथ खड़े रहे। तो ऐसे जो एकदम बीजेपी के कट्टर जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी बीजेपी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, और उस एडजस्टमेंट में निश्चित तौर पे कुछ जो राष्ट्रवादी से बीजेपी में आए हुए नगर सेवक हैं, उनके जो
परमानेंट अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है उस पर असर पड़ेगा और कहीं कहीं निश्चित तौर पे बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेगी और उसमें फिर इन लोगों को दिक्कत आएगा जो लोग तीन तीन एक ही परिवार से तीन तीन नगर सेवक बन के बैठे हैं या दो दो नगर सेवक बन के बैठे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी मंदाताई महात्रे हैं, अब ये बेलापुर में अपना वर्चस्व चलाना चाहेंगी, बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में तो वो अपना वर्चस्व चलाना चाहेंगी तो वो अपने गुड फेथ के लोगों को लाना चाहेंगी। तो अभी जो एक स्थिति आने वाली है वो कैंडिडेट को लेकर के वो हमको ऐसा लगता है कि अब ऐसा होगा कि एरोली विधानसभा में ताई चाहेंगी कि गणेश नाइक अपने टिकट बंटवारा देना होगा, टिकट बंटवारा करे और बेलापुर विधानसभा में वो टिकट बंटवारा करे। तो इसको लेकर के जो एक टसल होगा, एक जो फाइट होगी, आप जानते हैं कि मंदाताई और गणेश नाइक में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, इवन गणेश नाइक के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी अच्छे संबंध नहीं रहे। तो वैसी स्थिति में ये जो टकराव है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली है और इसका फायदा मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव आकर के लड़ती है तो महाविकास अघाड़ी को बड़े पैमाने पर मिल सकता है। एक बात नई मई के बारे में अक्सर बहुत चिंताजनक रही है कि जब तुकाराम मुंडे आए थे तो उस वक्त जो सत्तारूढ़ एनसीपी जिनके अधीन में चलती थी गणेश नाइक और जो दूसरे लोग थे वो क्लियर इस बात को कहते थे कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुकाराम मुंडे को भेजा और जिसकी वजह से नवम्बई का विकास जो है बाधित हुआ। आपको क्या लगता है कि नई सरकार के आने के बाद, अभी जैसे महाविकास आघाड़ी की सुजना की सरकार आई है और ये भाजपा अभी उसके विरोध में चली गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि नवम्बई का विकास वाकई तुकाराम मुंडे के दौरान बाधित हुआ था और अब जब ये सरकार बदली है तो नवम्बई के विकास को नई गति मिलेगी? देखिए, पालिका एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है, वो राज्य सरकार का अंग है लेकिन पालिका के अपने खुद के बजट हैं, अपने खुद की अर्निंग्स है और उसको खर्च करने का अधिकार भी पालिका के पास स्वयं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पालिका और राज्य सरकार के बीच में जो नियम और कायदे की बात आती है उसमें जब इंटरफेरेंस की बात आती है तो पालिका का काम बाधित हो सकता है, लेकिन जब वो ऐसा कोई चीज नहीं है और इजीली आप अपना बजट पास कर रहे हैं, आप निविदा निकाल रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, महासभा में मंजूरी हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी हो रही है, तो उसमें कोई ज्यादा हमको लगता है कि उसमें दिक्कत नहीं आता। तुकाराम मुंडे के समय की बात अगर आप कहेंगे तो तुकाराम मुंडे ने जो एक परंपरा चली आ रही थी, करप्ट परंपरा जिसको बोलते हैं, भ्रष्ट परंपरा, वो भ्रष्ट परंपरा पे चूंकि तुकाराम मुंडे ने आघात किया, उस भ्रष्ट परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ दिनों के लिए विकास का रुक गया था, लेकिन तुकाराम मुंडे को मौका ही कितना दिन मिला। अब जब उनके ईमानदारी का परिणाम जब नवी मुंबई को मिलने वाला था तभी उनको ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो चीज जो है आप ये मान के चलो कि आज अगर आप देखने जाओगे तो नवी मुंबई में आपको लगता है कि बहुत विकास है, है, इसमें दो राय नहीं कि नहीं है, लेकिन इस विकास के नाम पे जो लूट है आप उसको भी आपको नजरअंदाज करके आप नहीं चल सकते। नवी मुंबई को एक सुव्यवस्थित शहर के रूप में सिडको ने पहले से ही डेवलप करके दिया, सारे स्ट्रीट लाइट, सारे सिवरेज, सारे आपको गटर, सारे फुटपाथ, सारे रोड सिडको ने बना के दिए थे, अब हम लोगों को सिर्फ उसको मेंटेन करना था। लेकिन आप क्या देखते हो, जिस सड़क को दो दो साल में, एक एक साल में पूरी तरीके से तोड़ के बनाया जा रहा है, फिर एक साल के बाद उसी सड़क पर काम चल रही है, फिर एक साल के बाद उसी फुटपाथ पे काम चल रहा है, और अब तो ऐसा हो गया है कि दो दो साल, डेढ़ डेढ़ साल में ये लोग अपने फुटपाथ को लगता है कि स्वयं तोड़ते हैं और स्वयं उसका टेंडर निकालते हैं। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं इस पर तो रोक लगनी ही चाहिए। हमारे पास अगर पैसा है, पालिका में पैसा है, तो इसका मतलब हम उसको फालतू में खर्च करें, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमको लगता है कि विकास कार्यों पर जो आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के होने न होने का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पालिका में जिसकी सत्ता है अगर उसकी सोच सही है तो विकास कार्य पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो मतलब सीधे तौर पर एक बात तो साफ जो जाहिर हो रही है कि जिसकी सत्ता है तो गणेश नाइक के हाथ में सत्ता है, भाजपा की सत्ता है इस वक्त, लेकिन जिस तरह से विकास चल रहा है या जिस जिस रूप में इसको दिखाया जा रहा है, ये एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि नवी मुंबई इको सिटी है, सैटेलाइट सिटी है और बहुत उन्नत शहर है, बहुत सुनियोजित शहर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं उसे देखकर आपको लगता है कि क्या वाकई ये सिटी इसी तरह से सुनियोजित है जिस तरह का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? देखिए, एक बात तो आप मान के चलो कि सिडको ने जब इस सिटी का निर्माण किया
तो ये रॉ लैंड था, यहाँ पर कुछ था नहीं, था नहीं। हाँ। तो सब कुछ इसमें दो राय नहीं कि सुनियोजित है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुनियोजित सिटी है ये, लेकिन उसका क्रेडिट सिडको को जाता है। दूसरी बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आज के समय में अगर आप देखें तो हमारे अस्पताल, हमारे पालिका के स्कूल, आप दोनों जगह जाएं, बड़े बड़े अस्पताल बना दिए गए, रोली में बना, आपको बेलापुर में बना, नेरुल में बना, आप जाके देखो 70-70 करोड़, 80-80 करोड़ रुपए खर्च करके एक एक हॉस्पिटल बनाए गए, डॉक्टर नहीं, आपको जो टेक्निकल स्टाफ है वो नहीं, नहीं। आज हॉस्पिटल 4-5 साल बने हुए हो गया, आज 5 साल से वो हॉस्पिटल शुरू नहीं प्रॉपर कंडीशंस में। तो आप ये देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना कंस्ट्रक्टिव वर्क है, कंस्ट्रक्टिव मींस जितना कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ सिविल वर्क, हम सिविल वर्क खूब से खूब निकाल रहे हैं और खूब निकाल करके खूब काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबका परसेंटेज बना हुआ है। लेकिन जहां डॉक्टर अच्छे बहाल करने की बात आ रही है, जहां अच्छे टेक्नीशियन बहाल करने की बात आ रही है, जहां अच्छे टीचर बहाल करने की बात आ रही है, आज जब देखो सब कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम कर रहे हैं, कोई टीचर यहाँ पर वेल क्वालिफाइड और टीचर का एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से जो टीचर का एग्जामिनेशन होता है उसको पास करके नहीं आए, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो हमारा इस पर ध्यान नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको रियल माने में न तो लोगों को अच्छी आरोग्य सुविधा देनी है, न तो मुझे अच्छी शिक्षा लोगों को देनी है, मेरा काम है टेंडर पास करवाना। और हम टेंडर पास कराने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं, वो केवल टेंडर पे टेंडर, आज आप देखोगे ये ग्रिल लगा तो कल उखाड़ करके नया ग्रिल का स्टाइल लाते हैं, आज ये स्ट्रीट लाइट लगा तो कल लगा करके नया स्ट्रीट लाइट लाते हैं। आज डंपिंग ग्राउंड पे आप देखो, हमारा जो तुर्बे डंपिंग ग्राउंड है उस पर अब तक 4 परियोजनाएं आके चली गई और चारों परियोजनाओं में ये बताया गया कि इसका ये बेनिफिट होगा, उसका वो बेनिफिट होगा, उसका ये बेनिफिट होगा, कभी उसको नहीं, कभी खाद बनेगी, कभी खाद, कभी लकड़ी के गत्ते बनेंगे, कभी कार्बन क्रेडिट बेचेंगे, ये सारी चीजें हुई। और आज 500 करोड़ रुपया फिर से खर्च करने का प्लान चल रहा है कि हम एनर्जी पैदा करेंगे। तो हमारा कहना है कि जो कुछ भी काम है, पालिका की जो निविदाएं निकलती हैं सुधीर जी, उसमें एक पॉइंट होता है कि पालिका के इस कार्य का इतिहास उसमें लिखना होता है। आप जाके देखो, मैं आपको, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाओ और किसी भी टेंडर की एक कॉपी मांग लो और उसमें पालिका का जो काम निकला है, मान लो ये रोड का काम निकला, तो उसका इतिहास लिखना पड़ता है। आप इतिहास में देखोगे या तो मरम्मत या तो नवीन कार्य, या तो मरम्मत या तो नवीन कार्य, ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ भाई इस सड़क को बने हुए 10 साल हुए हैं, इसमें पिछले 5 साल में इतना मेंटेनेंस पर खर्च हुआ है और अब इसको और फिर से मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए इतना पैसे की जरूरत है, कहीं नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भूगोल नहीं, बस सीधा सीधा है या तो मरम्मत या तो नवीन का। ये कैसे आप कर रहे हो भाई? लोगों को मालूम तो चलना चाहिए 2 साल पहले इस सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ था और आज आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो, ये मालूम होने का हमको अधिकार है कि नहीं? सारा पैसा मेरा है, सारे टैक्स हम भर रहे हैं, तो आप हमको कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले आप देखो कहीं पर भी काम का बोर्ड नहीं लगता था कि इसका कितने लाख से, कब इसका वर्क ऑर्डर निकला, कब इसका कंप्लीशन, कितना समय लगेगा, कितना पैसे का ये टेंडर है, नहीं लगता था। ये मेरे प्रयास के बाद लग रहा है। जब मैंने रामास्वामी साहब थे, मैं आपको मेल दिखा सकता हूँ, रामास्वामी साहब को मैंने मेल करके ये उनको किया कि ये मैंडेटरी है, सीबीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक ये मैंडेटरी है सूचना फलक लगाना, तब जाकर के उन्होंने सीबीसी के इस गाइडलाइन को फॉलो किया और उसको मैंडेटरी किया और लोगों को ये निर्देश दिया कि हर जगह लगे। फिर भी आज 10 जगह लगता है तो 25 जगह नहीं लगता। एक बात जो महानगर पालिका और बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि नवीन भाई महानगर पालिका देश की ऐसी पहली महानगर पालिका है जिसमें ई गवर्नेंस चलता है, सारे काम ई सेवा केंद्रों से होते हैं, टोटल ऑनलाइन सारे डिजिटल पेमेंट्स हैं, इसके बावजूद भी, और इसका मकसद सीधा सा ये है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा, तो क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई ई गवर्नेंस होने का फायदा जो है भ्रष्टाचार को रोकने में होगा? देखिए, ई गवर्नेंस किसको बोलते हैं? ई गवर्नेंस का मतलब है फुल ट्रांसपेरेंसी। फुल ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? आपने निविदा निकाला, निविदा निकाला तो उसका जो टेंडर बुक है वो टेंडर बुक आप रखिए सामने,
उसके जो कॉमर्शियल टेंडर हैं उसको रखिए, उसके जो टेक्निकल टेंडर हैं उसको रखिए, जिससे हम आसानी से देख सकें कि ये जो निविदा निकली थी, ये सड़क का जो निर्माण होना था, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये काम के लिए ये काम करना था और ये काम न करके उसने आधा अधूरा काम किया या पूरा काम किया। दूसरी चीज की जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं आप, वो लगाइए वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट है उसको आप ऑनलाइन कीजिए। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करते हैं तो केवल पब्लिक को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए सुविधा दे करके, पानी बिल भरने के लिए सुविधा दे करके और गृहांश एक डालने के लिए सुविधा दे करके आप ये सोच रहे हैं कि आपने ट्रांसपेरेंसी ला दिया है, तो ये ई गवर्नेंस नहीं है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि हम जब बैठे हैं और ये सब मेरे से जुड़े हुए कार्य हैं, किसको आपने पदोन्नति दिया है, वो कितने साल पहले से काम कर रहा था, वो पदोन्नति आपने प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, कौन इतने कितने परमानेंट स्टाफ हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के स्टाफ हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो अब निकला था तो कब से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, कब खत्म हो रहा है, जितना जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कब खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। हम जाएं किसी कॉन्ट्रैक्ट पर पुश करें, हमको सब दिख जाना चाहिए। इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो यहाँ ई गवर्नेंस के नाम पर अगर आपको पता होगा तो करीब करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा किया जा चुका है, लेकिन ई गवर्नेंस के नाम पर हमको क्या मिला है, सिर्फ इतना है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स घर बैठे भर सकते हैं, पानी और प्रॉपर्टी पानी बिल घर बैठे भर सकते हैं, बस यही हमको मिला है। और इसके अलावा जो जन प्रमाण पत्र वगैरह है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने में कहीं ना कहीं ये विफल रही है, एक चीज बहुत साफ दिख रही है और इसका एक सबूत भी है। एक नगर सेवक, जिसे नगर सेवक कहा जा रहा है, लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के बाद 5 साल के अंदर सैकड़ों करोड़ का मालिक बन जाता है। आखिर ये कैसे हो रहा है? कौन सी कमाई नगर सेवकों, जिसको सेवक की उपाधि दी गई है, वो जनता की सेवा के लिए चुना जा रहा है, जनता इस उम्मीद पर उसे चुन रही है कि निश्चित तौर पर वो उस प्रभाग का, उस क्षेत्र का, उस इलाके का विकास करेगा, पैसा कहाँ से आता है? आपने खुद कहा कि ई गवर्नेंस सिर्फ दिखावा है, तो एक्चुअली ये जो नगर सेवकों के पास पैसा आ रहा है आ कहां से रहा, इसका समाधान क्या है इनको रोकने का? देखिए, हम एक ही बात जानते हैं कि जब पूरे देश में ये बात चलती है कि मंदी के दौर से देश गुजर रहा है, तब आप नेताओं के इनकम को देखेंगे तो 300-300% 400-400% से वो राइज कर रहे हैं 5 साल में। अब मेरे को बताओ, जब पूरा देश मंदी से गुजर रहा है, सारे प्रोडक्शन के जो रेट रेशियो है वो घटते जा रहे हैं, जो इनकम के रेशियो वो घटते जा रहे हैं, वैसे स्थिति में नेताओं का 5 गुना कैसे बढ़ रहा है? अब रही बात नवी मुंबई के नगर सेवकों की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सैकड़ों करोड़, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो पेपर में नहीं है उसको मैं नहीं बोल सकता। पेपर में क्या है, उनका एफिडेविट, आप उनके एफिडेविट में 11 कॉरपोरेटर ऐसे हैं, 11 कॉरपोरेटर जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा की है और वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। अच्छा। आपको मैं बता दूं, 11 कॉरपोरेटर पैन कार्ड उनके पास नहीं है। कई ऐसे कॉरपोरेटर हैं जिनकी संपत्ति 17 करोड़ 18 करोड़ को पार करती है और वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। आप मेरे को बताओ, 18 करोड़ के मालिक हो, तुम्हारे एफिडेविट में 18 करोड़ का तुम घोषणा कर रहे हो, तुम झोपड़ी का लाभ क्यों ले रहे हो? अगर तुमको झोपड़ी की राजनीति करनी है तो करो, लेकिन कम से कम झोपड़ी का लाभ तो मत लो, तुम उसमें अपनी झोपड़ी तो मत रखो, तुम तो गवर्नमेंट को लौटा दो कि नहीं साहब, अब हम झोपड़पट्टी के लायक नहीं रहे, हमारे पास 18 करोड़ संपत्ति आ गई है, हम झोपड़ी जो है हम सरेंडर कर रहे हैं, ये करना चाहिए। लेकिन आपको, मैं आपको ऐसे कॉर्पोरेटर की सूची दे सकता हूं जिनके पास 16-17 करोड़ की संपत्ति उनकी डिक्लेयर संपत्ति है और रहते वो झोपड़पट्टी में है और लाभ झोपड़पट्टी का ले रहे हैं। तो इसका समाधान क्या आपको लगता है कि अगर करप्शन है और ये लोकल गवर्नमेंट में है, जो स्थानीय स्वायत्त संस्था है, अगर उसमें इतने बड़े पैमाने पर अगर भ्रष्टाचार है, महानगर पालिका के बारे में जैसा कहा जाता है कि देश के अधिकांश ऐसे 14 से 15 ऐसे स्टेट हैं, वहां की भी जो पूरा जो बजट है, सालाना बजट है, उसके तकरीबन का बजट जो है मुंबई और नई मुंबई जैसी महानगर पालिकाओं के 3600 करोड़ का बजट नई मुंबई महानगर पालिका का है। 36 किलोमीटर का पूरा दायरा नहीं है, 34 किलोमीटर के दायरे में 3600 करोड़ की हर साल का बजट हो रहा है। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हर जगह जो वित्तीय व्यवस्था है उस पर निगरानी रखने के लिए कमेटियां हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ लोकल फंड ऑडिट है, लोकल फंड ऑडिट क्या किया, पहले ऑडिट के ऑडिटर जनरल जो होते थे पहले उनके साथ ही होता था, लेकिन क्या हुआ कि लोकल फंड के बहुत सारे, चूंकि विंग हैं, बहुत सारी महानगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है,
तो उस स्थिति में, सॉरी, उस स्थिति में एक बात आई कि भैया इसके लिए हम लोकल फंड ऑडिट एक अलग कर दें। तो लोकल फंड ऑडिट का आपको मैं बता दूं कि अब देखो कैसे चल रहा है देश, कैसे चल रहा है। लोकल फंड ऑडिट 2011-2012 फाइनेंशियल ईयर, 2012-2013 ये फाइनेंशियल ईयर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, LFA के वेबसाइट पे। 2012-13 के बाद आपको LFA के वेबसाइट पे किसी भी महानगर पालिका का, अहमदनगर महानगर पालिका छोड़ के बाकी किसी महानगर पालिका का लोकल फंड ऑडिट आपको दिखाई नहीं देता है। तो हमको जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगा हम कैसे जानेंगे कि किस काम में क्या अनियमितता हुई। ऑडिट को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, किसी भी काम में अनियमितता के लिए उसको सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है। तो हमारे पास जब वही नहीं है और न तो किसी महासभा में, न तो किसी स्टैंडिंग कमिटी में ये बात रखा जाता है कि भाई जो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लिया था उसमें से कितने ऑब्जेक्शन को अगर दूर किया गया है तो उसकी रिपोर्ट आप बताइए, और जो ऑब्जेक्शन जिंदा है उनको अभी तक क्यों नहीं दूर किया जा सका और पालिका ने उसको लेकर के क्या कार्रवाई की है। कुछ नहीं, वसूली की रकम लिखता है ऑडिट कि इतना वसूली पात्र रकम है। वसूली पात्र रकम का मतलब है कि उतना रकम आपको सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करना है। लेकिन आप बताओ कहीं आपको किसी वेबसाइट पर आपने देखा पालिका के जहां आपको मिलता हो कि इस ठेकेदार से इतना इतना रकम जो है दंड के रूप में वसूला गया है, कहीं नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें जो है, दिक्कत क्या है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम अपना रक्षक मान करके, अपना सहयोगी मान करके हम उठा कर करके महासभा में या कहिए कॉरपोरेशन में भेजते हैं, दरअसल वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि वो जा ही रहे हैं सिर्फ हमारे संपत्ति को लूटने के लिए, और हम क्या समझते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमको सिर्फ और सिर्फ नया नया कॉन्ट्रैक्ट ला कर करके एक एक उद्यान जो है 10-10 करोड़ का बनाएंगे और वो उद्यान एक साल के बाद उजड़ जाएगा, फिर नए उद्यान के लिए टेंडर निकालेंगे और हमको ये शो करेंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हमको ये पता नहीं चल पाता कि ये मेरे नाम पर अपनी जेबें कैसे गर्म कर रहे हैं। और ये तभी पता लगेगा सुधीर जी जब तक कि कॉमन मैन के पास ऑडिट की सेंस ना आए कि ऑडिट कैसे किया जाता है। कॉमन मैन इस बात के सजग रहे कि जब भी कोई काम हो वहां पर बोर्ड लगा कि आज ये तारीख को ये काम हुआ है, उसका खट से वो बोर्ड ले और रखे अपने पास सुरक्षित उस रिकॉर्ड को, और 2-3 साल बाद अगर फिर उसी काम पे पैसा खर्च होता है तो उस पर प्रश्न करे कि भैया ये 3 साल पहले आपने खर्च किया था, अभी फिर आपको क्यों खर्च करना पड़ रहा है। जब तक कॉमन मैन इतना सक्रिय नहीं होगा, इतना जागरूक नहीं होगा, तब तक ये इसी तरीके से लूटते रहेंगे और विकास के नाम। एक बहुत बढ़िया बात आपने कही कि लोकल फंड ऑडिट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि 2013 से अभी तक किसी महानगर पालिका ने अहमदनगर को छोड़ के नहीं किया। एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूं कि नवी मुंबई में अभी 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, जनवरी चल रहा, अप्रैल में प्रोस्पेक्ट चुनाव होने वाले, क्या प्रमुख मुद्दा आपको लगता है कि नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इस बार सबसे प्रमुखता से उभरेगा और उसकी जरूरत है, उसको उभारना चाहिए, चाहे जो भी लोक प्रतिनिधि हैं या जो भी जनता है उस मुद्दे पर ही उनको वोट देना चाहिए। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि नवी मुंबई के जो नागरिक हैं वो ऐसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अपने अधिकार के प्रति बहुत ही निराश हैं। मतलब उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है उनका, चूंकि अर्निंग यहाँ पर थोड़े अच्छे लोग रहते हैं, अर्निंग सही है, और झोपड़पट्टी के लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता है, तो ये कारण का जो है हमको लगता है कि उनको मुद्दे समझ में नहीं आते। अभी आप देखो, मेरी नजर में अगर आप देखोगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल का मुद्दा है कि आज एक बीमारी लोगों को कंगाल कर दे रही है, मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को एक बीमारी कंगाल कर दे रही है, और नहीं तो उसको 15,000-20,000 रुपए सालाना भर के मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ रहा है। हमको एक बात बताओ, अगर हम 10 साल बीमार नहीं पड़े तो मेरा जो ये 3 लाख या 1.5 लाख रुपया मेरा गया उसका कौन देंदा। मतलब हमको अपनी, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं दिए होते थे तो हम 15,000 रुपया नहीं कट पाते थे बाहर जाने के, तो आपने वो नहीं किया। मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा अस्पताल है, दूसरा है पालिका का एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? आप टीचर ऐसे ऐसे रखे हो जिनको खुद ही जानकारी नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कभी कंपटीशन जीत के वो नहीं आए, वो आए हैं ठीका पद्धति पे, वो भी अपना ठीका पद्धति के अनुसार, कभी फल्ला के रिलेटिव है तो कोई फल्ला के रिलेटिव है, कोई फल्ला के थ्रू आए हैं, उनको आपने नौकरी पे रख लिया है, टीचर की नौकरी पे।
तो वो एक म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों का जो एजुकेशनल की क्वालिटी है वो जो डाउन आपको दिखाई देता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। तो मेरे लिए शिक्षण दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तीसरा अगर आप कहेंगे तो हमारे यहाँ जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। तो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है पालिका की, आप सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे छोड़े हुए हैं। आपकी खुद की एक सेंटर होनी चाहिए जहां आप स्ट्रीट चिल्ड्रेन का पुनर्वसन या उनको उनके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट का आप कुछ प्रोग्राम चलाते, उनको क्वालिटी युक्त बनाते। आज स्ट्रीट चिल्ड्रेन की क्या हालत है आप देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो घूमते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रेन उनका देखो, या जो फुटपाथ पे घूमते हैं, ये 8 साल 10 साल से इनका सब शोषण हो जाता है। बिल्कुल, सारे शोषण के ही शिकार हो जाते हैं, शारीरिक से लेकर हर चीज के। अब आप बताओ वो कैसे इस शहर के विकास का मुख्य धारा में आएंगे? वो क्रिमिनल बनेंगे, वो अपराधी बनेंगे, और अपराधी बनेंगे तो ये देश डिस्टर्ब होगा, ये शहर डिस्टर्ब होगा। इस पर कोई चिंतन नहीं, तो मेरा कहना है कि उन पर चिंतन करो। दूसरा, जो लोग बेघर आप देखोगे फुटपाथ पर, सैकड़ों लोग आपको सोए हुए दिखाई, क्या आप रात्रि निवारा केंद्र नहीं बना सकते? और आज आप सोच रहे हो घनसोली में एक रात्रि निवारा केंद्र 2.25 करोड़ की लागत से बना है, वो तब से ताला लगा पड़ा है। अरे आप सोने देने के लिए भी लोगों को आप ताला लगा के रखोगे? उद्घाटन का प्रतीक्षा करोगे? बनाना लोगों को सोने तो दो यार, वो भी आप नहीं कर रहे। तो वो सब चीजें हैं मेरी नजर में अगर आप देखोगे तो, मानवीय जो चीजें हैं जहां से इंसानियत को धक्का लग रहा है, चाहे मानवता जो है वो शर्मसार हो रही है, उसको लेकर के पालिका का कोई मैंने नहीं देखा कि कोई लोगों ने आवाज उठाया हो या किसी ने प्रमुखता से इसको रखने का प्रयास किया। परिवहन उपक्रम भी उनका ऐसा है, मतलब आज आप समझ के रखो ना कि जो हां है परिवहन उपक्रम में आप मत कहो, करोड़ों रुपया उन्होंने बसेस खरीदने पर, आप देख लो, आप बसेस का गिनती कर लो पिछले 8 साल में 10 साल में कितने बसेस की खरीदारी हुई है, आपको उसकी गिनती करो, और 8 साल में कितने बसेस भंगार में चले गए, इसकी अभी आप कल्पना करो। क्या अपनी गाड़ी आप 8 साल में भंगार में बेच देते, फेंक देते आप? आज 2.5 साल 3 साल 5 साल में आप बोलते हैं इस बिल्डिंग में ये दरार पड़ गया, ये टूट गया, वो टूट गया, आप शुरू कर देते हो। क्या अपनी बिल्डिंग में आप करते? आपने बनाए होते, आप 2-2 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाते तो क्या इस क्वालिटी की बनाते? तो वो चीजें हैं, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं जनता का सेवक हूं, मुझे जनता ने यहां भेजा है, मेरा प्रथम दायित्व तो जनता के प्रति है। अगर ये बात आपके अंदर नहीं है, अगर आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और उनकी थोड़ी सी नादानी का आपको फायदा मिल रहा है, तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े आदमी हो चले हैं। जिस दिन जनता जग गई उस दिन आपको रास्ता दिखा देगी। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्या लगता है आपको कि अब राजनीतिक जो दल हैं उसके जो नेता हैं, उसके नगर सेवक हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, अब उनके सहारे जनता का कल्याण नहीं होने वाला और सिविल सोसाइटी को खुद ही आगे आके अपने लिए कुछ काम करना पड़ेगा? देखिए अभी आप कहेंगे तो न्यू बॉम्बे में सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर है, हमको लगता है कि नियर अबाउट 4000 से ज्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन न्यू बॉम्बे में रजिस्टर्ड है। लेकिन ये लोग भी अब देखो कर्म काम करने के लिए पैसे लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आप काम करना चाहोगे तो पैसे लगते हैं। तो आज फाइनेंशियल कैपेसिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों के पास है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैं ही हूं, मैं इतना लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे बाध्य करते हैं कि तुम कोर्ट जाओ। अरे भाई कोर्ट जाने में पैसा लगता है, मैं 2-2 PIL 3-3 PIL कर लिया और आज 6 साल से 1 PIL के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, 1 PIL के रिजल्ट लाने में 3 साल लग गए। तो इस तरीके से हमको अपना पूरा समय, अपना पूरा घर का पैसा लगा करके हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, कितना दिन लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो उस स्थिति में आज जरूरत है सबसे बड़ा जागरूक नागरिकों की। आज जागरूक नागरिकों को, ऐसे लोगों को, भले वो आर्थिक तबके से बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर उनकी सोच अच्छी है, वो रियल माने में समाज का डेवलपमेंट चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, समाज में एक भाईचारा चाहते हैं, समाज को रियल विकास देना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के पीछे जागरूक नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा। उनको अपने चंदे से, उनको मेहनत करके उनको लड़ाई को मजबूती देनी होगी कि चल भाई तू अच्छा काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तू अच्छा काम कर रहा है, हम लोग 100 लोग मिलकर के 1000-1000 रुपया करके चंदा देते हैं, तेरे पास 1 लाख रुपया हो जाएगा, जा PIL लड़।
इस तरह का अगर जब तक कोऑपरेशन सामाजिक सहयोग ये जब तक जनता से नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं लड़ पाएगा सूरज जी। और जिन लोगों को आप चुन के भेज रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं आपको पता ही है। आप कोई भी सड़क से निकलो, कभी इस सड़क पे काम, कभी उस सड़क पे काम, आपका घंटा दो घंटा आपके ट्रैफिक में चला जा रहा है, लेकिन आप सब बर्दाश्त कर रहे हो, और वो भी तब जब इतना पैसा आपके जेब का खर्चा हो रहा है तब आप सब बर्दाश्त कर रहे हो। तो हमको लगता है जनता को जागरूक होने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आप कई मामलों को लेकर नवी मुंबई को सुधारने के लिए, नवी मुंबई की व्यवस्था को सुधारने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक हो या विकास का मामला हो, उसको लेकर आप कोर्ट तक गए हैं। इन मामलों के जरिए और न्यायिक लड़ाई के जरिए आप नवी मुंबई को अगले 5 या 10 साल में किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो नवी मुंबई में, आपको मैं एक बात बताऊं, नवी मुंबई में अगर आप देखो तो पालिका को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानवीय एंगल होना चाहिए पालिका के पास। सिर्फ मानवीय एंगल आ जाए ना कि वो कमीशन के परसेंटेज को ना देख करके इससे कितने मानव का फायदा होगा, कितने नवी मुंबई के नागरिकों का फायदा होगा, अगर ये एंगल खाली उसमें इन्वॉल्व कर दें तो मुझे लगता है नवी मुंबई में बहुत बड़े बजट की भी जरूरत नहीं है और बहुत कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ वेल सेटल्ड हैं, आपको थोड़ा सा मानवीय पहलू अपने अंदर लाना पड़ेगा। प्लीज, मैं तो सारे जनप्रतिनिधियों से एक बात कहूंगा कि प्लीज इस नवी मुंबई को सिर्फ ऐसा विकास मत दो जो आप चार कोई कमिटी वाले आते हैं, आपको एक प्राइस देके चले जाते हैं और आप सोचते हो कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये बात आप दिमाग से छोड़ दो। आजकल प्राइज कैसे मिलते हैं ये हम लोग सब समझते हैं, हम लोगों को पता भी है कि प्राइज कैसे मिलता है लोगों को। हमारा कहना यह है कि अगर आपके मन में, मैं ऑफिसरों से भी कहूंगा और पालिका के जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि अगर आप जब तक लोगों को बुनियादी चीजों से आप मरहूम करोगे तब तक इसको विकास नहीं कहा जाएगा। पहले आप लोगों की बुनियादी जरूरत, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, उनके जो बच्चे, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके आप कपड़े, उनके खाने, उनके पुनर्वसन पे नहीं ध्यान दोगे, या जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनको सही तरीके से उनके गांव में भी, आज आप शहरी क्षेत्र में जाओ, बिरंगुला केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र, 25 करोड़ का गार्डन, ये गार्डन, आज गांव वाले जिनकी जमीन पे आप बसे हैं, जिनकी जमीन पे आपका पूरा न्यू बॉम्बे है, उनके लिए आपने क्या किया है? वहां के बुजुर्ग जो हैं वो बेचारे घर में पड़े रहते हैं, उनको ना तो कोई कैरम खेलने की सुविधा है, ना तो कोई टेनिस खेलने की सुविधा है। ये सब आप कहाँ कर रहे हो? शहरी क्षेत्रों में कर रहे हो। मेरा कहना, मैं तुर्बे में जाओ, आप बताओ मुझे कितने बिरंगुला केंद्र वहां पर हैं, कितने बुजुर्गों के एंटरटेनमेंट के जगह आपने वहां खड़े कर रखे हो? कुछ नहीं। तो हमारा कहना है कि आप मानवीय एंगल लाओ और ऐसा मत करो कि जहां रईस लोग रहते हैं वहां सब कुछ करो और जहां गरीब या प्रकल्पग्रस्त रहते हैं उनको उनके अधिकार से वंचित रखो। ऐसा विकास जो है वो बाइफर्केशन करता है और जो हमारे को लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान्य नहीं है और हमको भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते मान्य नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया इस कार्यक्रम में, मंथन में, और जो नवी मुंबई का विकास खासकर जिस पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया वो ये है कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल ना बने, सिर्फ सुविधाओं का जंजाल ना तैयार किया जाए, बल्कि ऐसा विकास हो जो मानव की ज़रूरतों को समझे और उसके लिए उसको खुशहाली देने का काम करे, ऐसे विकास की ज़रूरत है। और वो संतुलित हो, जितना शहर में हो उतना ही गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतना विकास हो, ताकि जिस तरह से आपने कहा कि संविधान के जरिए सबको समान रूप से खुशहाली के साथ जीने का अधिकार है, और ये तभी संभव है जब सबके लिए विकास जो है समान रूप से होगा और मानवीय तौर पर उनकी चिंताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नवी मुंबई महानगर पालिका जो आने वाला चुनाव है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं लोक प्रतिनिधि, या जो लोग नए जो प्रतिनिधि बनकर उभरने वाले हैं, अपने चुनाव को इसी परिप्रेक्ष्य में सामने रखकर वो चुनाव लड़ेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। आज के मंथन में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे और आपसे जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर करेंगे मंथन। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप टीवी वन देखना मत भूलिए क्योंकि यह खबरों का नया अड्डा है। नमस्कार।